ऐसे कैसे जा रही हो? अपने बर्तन तो यहीं भूलकर जा रही हो? ए राम ए भगवान, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई बर्तन उठाना। ए राम, ए राम, भगवान तुम्हारा भला करे। अजीब औरत थी, ब्लाउज उल्टा पहना अपने बर्तन छोड़ के जा रही थी। आज कौन सी साड़ी पहनूं? पिंक। ओ नो, ये कैसे हो गया? कहीं चूहे ने तो नहीं कतर दिया? गॉड, ये साड़ी भी फटी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? कल जब मैंने साड़ियां फोल्ड की तो सारी साड़ियां ठीक थी, और देख के लगता तो नहीं है कि चूहे ने कतरा है। तो फिर क्या हुआ होगा? अरे तू भी कमाल करती है हाँ? अरे ऐसे कोई अपने कपड़े बीच में रखता है भला? बीच में मतलब? अरे बारिश का मौसम है, कपड़ों में से है ना गंदी बदबू आती है, तो सोचा कि सुगंधीदार अगरबत्ती ऐसे कबाड़ में घुमा दूं। तो जैसे ही कबाड़ खोला, तेरे कपड़े बीच में आ गए। इसका मतलब ये सब आपने किया फई? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इस बार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो मत छोड़, ले पकड़। अरे पकड़ ना। आधी मोटी डरावा वाली क्या करेगी? धवल से मेरी फरियाद करेगी? वो तो वैसे भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। तू एक काम कर, तू पुलिस में जाके कंप्लेंट कर कि मेरी सास ने मेरी सारी साड़ियां जला डाली। हाँ यही कर तू, जा जा जा। क्यों नहीं करनी फरियाद? करेगी भी कैसे हा? अब पुलिस भला चोर की फरियाद भी सुनती है क्या? चोरनी के सारे कपड़े तो जल गए, अब मैं भी देखती हूँ कि तू क्या करती है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ? नहीं माँ जी, सब कुछ हो ही गया है। गोपी बहन, आज मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, मैं दोपहर को घर पर खाना नहीं खाऊंगी। घर पर नहीं खाऊंगी मतलब? तुम कहीं बाहर जाने वाली हो? वो एक्चुअली मैं और जिक्स लंच पे जा रहे हैं। वो क्या ना गोपी बहन, काफी टाइम से हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा कि घूमने नहीं जा सकते, कम से कम लंच करने तो जा ही सकते हैं, तो बस इसलिए। बस बस परिधि, कितना शर्माओगी? माँ जी आपने देखा इसे, इस तरह से तो वो जब इस घर में पहली बार दुल्हन बन के आई थी तभी भी नहीं शर्माई थी। क्या गोपी बहन, आप भी सच्ची तो कह रही हूँ। वैसे तुम और देवर जी बाहर खाना खाने जा रहे हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ परिधि, खाना खाना तो एक बहाना है, इसी बहाने तुम्हें और जिगर को एक साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा, अच्छी बात है। हाँ माँ जी, बातें तो जरूर होंगी, पर देवर जी के हिस्से में सिर्फ बातें सुननी ही आएंगी, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? हाँ गोपी बहन, आप भी ना। अच्छा ये सब छोड़िए, एक बात बताइए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहन कर जाऊँ, आप बताइए ना मैं क्या पहनूँ। ये क्या है परिधि, शादी करके तुम्हें इतने वर्ष हो गए इस घर में, तुम वैसी की वैसी हो, जरा भी बदलाव नहीं आया, हर समय गोपी बहन का पल्लू पकड़ के चलती हो, अब तुम क्या कपड़े पहनोगी ये भी तुम्हारी गोपी बहन फैसला लेगी। हाँ काकी जी, क्योंकि कपड़ों के मामलों में ना गोपी बहन की चॉइस मुझसे काफी अच्छी है। नहीं परिधि, तुम कुछ भी पहनो, हर रंग हर कपड़े में तुम अच्छी ही लगोगी। थैंक यू वेरी मच गोपी बहन। थैंक यू काकी जी, बाय। ये परिधि मीना बच्ची की बच्ची ही रहेगी, बस
मैं ये चाहती हूँ कि परिधि राशि को जल्द से जल्द अपनी बच्ची समझकर स्वीकार कर ले। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, धीरे धीरे परिधि भी राशि को अपना लेगी। कृष्ण भगवान करे और तुम्हारी कही बात सत्य साबित हो। You have to trust me, मेरा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। इससे पूछती हूँ, ये मुझे जरूर बताएगी कि डैड ने संस्कार के साथ एग्जैक्टली किया क्या था। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने इसे सीधा सीधा पूछा तो ये कभी नहीं बताएगी, इसे घुमा फिरा के ही पूछना पड़ेगा। दी दी, क्या हुआ दी, तुम रो क्यों रही हो? तो मैं क्या करूं विद्या, मैंने कितनी कोशिश की कि सब मैं भूल जाऊं। Don't worry, दी, सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। विद्या, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई भी एकदम से छोड़ के चला जाए? हाँ विद्या, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? मैंने तो सच्चे मन से संस्कार पे ट्रस्ट किया था ना, इनफैक्ट उसके लिए पूरी फैमिली के अगेंस्ट बड़ा किडनैपिंग का प्लान किया, और उसने क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। हाँ जस्कार विद्या, मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ कि क्या हुआ होगा कि संस्कार ने ऐसा किया। मैं तो उसे सच में प्यार करती थी ना, फिर उसने ऐसा क्यों किया? जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है दी। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो उसने मुझे डिच क्यों किया? किसी ने जान पूछ के संस्कार के कान में मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला होगा, इसलिए उसने ये सब किया है ना। आज संस्कार मुझे छोड़ के चला गया, अगर कल तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं कहाँ जाऊंगी विद्या? मैं तुम लोग के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मैं उल्टा सीधा जवाब दे देती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। जानती हूँ दी, तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं करेगा, कोई अलग नहीं करेगा। संस्कार भी यही कहता था, उसने ये भी कहा था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, पर चला गया ना विद्या। अगर अगर मुझे छोड़ के तू चली गई तो नहीं थी डैड, और नहीं, आई नो विद्या, आई कैन जस्ट सी इट कि पूरा परिवार एक साइड में है और दूसरी साइड में मैं अकेली खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल अकेली। जो कुछ भी हुआ उसे लेकर दी वाकई में बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ, बता दूँ मैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? विद्या, अगर अब तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए ना तो मैं मर जाऊंगी। दी प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली जैसा तुम सोच रही हो ऐसी बात नहीं है। मीरा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना दुखी हो रही हो? दादी, वो एक्चुअली जो कुछ भी हुआ दी उस सब को लेके बहुत परेशान है। मीरा, परेशान तो हम सभी थे, लेकिन समय के साथ साथ हम सब संभल गए, तुम भी बहुत जल्दी संभल जाओगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा
तुम भी अपने इस दुख को भूलकर नए सिरे से जिंदगी गुजार पाओगी। तुम्हें कृष्ण भगवान का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने संस्कार जैसे दुष्ट लड़के के साथ तुम्हें जिंदगी बिताने से बचा लिया। विद्या बेटा, ये तकिए के कवर है, ये सारे बदल दो और वो धोने में मिट्टी को दे दो। जी दादी। संभालो अपने आप को मीरा। दादी 2 मिनट लेट आती तो विद्या मुझे सच बताने ही वाली थी। अब मैं कैसे पता करूं कि एग्जैक्टली संस्कार के साथ हुआ क्या था? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।